के आमेर से बड़ी खबर है। एक हाथी ने महिला और बच्चे को कुचलने का प्रयास किया। सूंड की मार से बच्चा बचा तो हाथी ने पांव से कुचलने की कोशिश की। बच्चे ने हाथी के पांव से बचने के लिए पलटी मारी। घटना से आमेर के गांधी चौक में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे गुस्सेल और उत्साहित हाथी से सफारी क्यों करवाई जा रही है, अब सवाल ये उठ रहा है। ऐसे गुस्सेल हाथी से पर्यटकों के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये बच्चे ने अपनी जान बचा ली, लेकिन इस तरह से अगर इस तरह की घटना पर्यटकों के साथ होगी तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। जयपुर के आमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। एक हाथी ने महिला और बच्चे को कुचलने का प्रयास किया है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निर्मल सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, ये हाथी जो सवारी करवाता है, पर्यटक इस पर बैठते हैं, सवारी करते हैं, अब उसी हाथी ने महिला और बच्चे को कुचलने का प्रयास किया, फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, और साथ ही साथ क्या अब इसको जो पर्यटक सवारी करते हैं उनको हटाया जाएगा? सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि ये जो घटना हुई है ये आमेर महल में हुई। आमेर में जो हाथी सवारी होती है उस हाथी सवारी के रूट पर नहीं, ये 50 नंबर की हथिनी है मुस्तान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 50। ये मुस्तान नाम की हथिनी जब अपने बाड़े से निकलकर आमेर की तरफ आ रही थी तो आमेर थाने के पास जो मुख्य मार्ग है उस पर यह घटना हुई। वहां पर एक पर्यटक अपनी माँ के साथ जा रहा था, उसने हथिनी के पास पहुंचने की कोशिश की तो हथिनी ने उसको उसके ऊपर एकदम पैर से उसके ऊपर हमला किया। हालांकि वो इस हमले में बच गया, थोड़ा संभल गया, सतर्क था पर्यटक, वो दूसरी तरफ गिरा, उसके बाद आसपास भीड़ जमा हो गई, एकदम कोतूहल का माहौल हो गया। लेकिन फुल मिलाकर के इसमें पर्यटक की भी उतनी ही गलती है जितना की वो हथ के पास जाने की कोशिश की। लेकिन एहतियात के तौर पर जो आमेर महल के अधीक्षक है, पुरातत्व विभाग के अधीक्षक पंकज धरेन्द्र, उन्होंने फैसला लिया 50 नंबर की जो हथिनी मुस्तान है उसको फिलहाल हाथी सवारी के रोस्टर से हटा दिया गया है। अब उसको फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा उस हथिनी के मालिक को, उसके बाद ही वो वापस से आमेर महल में सफारी या हाथी की जो सवारी हाथी सवारी होती है उसमें शामिल हो सके। क्योंकि देखिए उसने जिस तरह का एक एग्रेशन यहाँ पर दिखाया सड़क के ऊपर, अगर ये आमेर महल में भी पर्यटकों के बीच में ऐसा एग्रेशन दिखाएगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डिजास्टर हो सकता था या हो सकता है। ऐसे में उसको एहतियात के तौर पर इस हथिनी को फिलहाल हटा दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट आने के बाद ही इस हथिनी को वापस रोस्टर में लगाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।